नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। वक्त हो गया है लोकतंत्र का और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। लोकतंत्र में आपके मुद्दों को, आपके सरोकारों को हम सबसे आगे जगह देते हैं, सर्वप्रथम रखते हैं। तो आज कार्यक्रम में क्या आपके लिए खास है, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी दे दें। आज कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले तिरंगे पर जारी जहरीली सियासत की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। देश में अमृत महोत्सव मन रहा है और देश में तिरंगे को लेकर क्यों ये सियासत हो रही है, इस पर पूरी जानकारी होगी। किसका तिरंगा असली है, किसका तिरंगा नकली है, इसके साथ साथ और भी कई खबरों को लेकर लोकतंत्र में बात करेंगे। समंदर में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की बात होगी, कैसे पाकिस्तान समंदर के रास्ते भारत में जहर भेज रहा है, हालांकि पाकिस्तान की साजिश का करारा जवाब दिया है भारतीय जवानों ने। लोकतंत्र में तीसरी बड़ी खबर होगी शराब पॉलिसी को लेकर आए बदलाव के बाद दुकानें जिस तरह से बंद हो रही हैं, उसे लेकर इस वक्त ग्राउंड पर क्या स्थिति है, उसकी डिटेल होगी। इसके साथ साथ पंजाब की भी बात करेंगे, जहां सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लगातार पंजाबी सिंगर्स को धमकियां मिल रही हैं। अभी सिंगर जानी ने धमकी के बाद खुद के लिए सुरक्षा भी मांगी है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने दिल्ली में आज तिरंगा बाइक रैली का आह्वान किया था और इसके लिए विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन जब बाइक रैली शुरू हुई तो सिर्फ बीजेपी के सांसद, नेता, कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई भी नेता इस रैली में शामिल नहीं हुआ। हालांकि ट्विटर पर दिनभर प्रोफाइल फोटो बदलने और पुरानी तस्वीरें पोस्ट करने का सिलसिला भी जारी रहा। बीजेपी की बाइक रैली के जवाब में कांग्रेस नेताओं ने पंडित नेहरू की एक पुरानी तिरंगा बाइक रैली आयोजित की गई थी रेड फोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक, जिसमें सभी सांसदों को, सभी दलों को न्योता दिया गया था, आमंत्रित किया गया था कि वो भी शामिल हो, क्योंकि तिरंगा किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का 135 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, हमारी स्वतंत्रता का सबसे पावन चिन्ह है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि सिर्फ भाजपा और एनडीए के मंत्री जो है और सांसद जो है वहीं पहुंचे, और जो विपक्ष के कई नेता और दल है वो गायब रहे। देश को अपना देश मानते हैं और देश की इज्जत करते हैं, देश का भला चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं। वो बोल रहे हैं वो सिर्फ झंडे से ही देश की तरक्की का नहीं होगा, देश के अंदर जो काम होने चाहिए उससे तरक्की करेगा। देशभक्ति पर सवाल हो रहा है कि जो देशभक्ति तिरंगे पर नहीं है, देशभक्ति आदमी के कामों पर है, आदमी की पॉलिसी पर है। एक तरफ बीजेपी सांसद सड़क पर तिरंगे के साथ यात्रा में शामिल हुए तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी अपने अंदाज में ट्विटर की प्रोफाइल फोटो को बदल दिया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने तिरंगे के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई और देखते ही देखते बाकी कांग्रेस नेता भी इसे शेयर करने लगे। पंडित नेहरू की तस्वीर के साथ लिखा गया, वो भी खादी में। मतलब जयराम रमेश बता रहे हैं कि प्रोफाइल फोटो में पंडित नेहरू के हाथ में जो झंडा है वो खादी का झंडा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया और लिखा कि तिरंगा हमारे दिल में है, लहू बनकर हमारी रगों में है। 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए कहा था, अब तिरंगा फहरा दिया है, ये झुकना नहीं चाहिए। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी इस तस्वीर को खूब ट्वीट किया, साथ ही बीजेपी और आरएसएस से सवाल भी पूछे। हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया, वो क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे। कांग्रेस के ही पवन खेड़ा ने ट्वीट करके आरएसएस और मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट लगाया और लिखा कि संघ वालों अब तो तिरंगा को अपना लो, #mytirangamypride। ये सरकार की, ये तिरंगा की चलते हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देश चीन, जिसके साथ हमारी दुश्मनी है, उनसे तिरंगा पताका मंगाए जा रहे हैं।
ये तिरंगा पताका बनाने के लिए खादी को छोड़कर चुनिंदा कुछ बिजनेसमैनों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहे हैं, और खादी और महात्मा गांधी एक दूसरे का नाम होते हैं। महात्मा गांधी बनाम खादी, खादी मतलब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पहचान है खादी से, खादी की पहचान महात्मा गांधी से। वो खादी को विसर्जन देने के लिए ये सरकार आज सारे कवायद कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इसी बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया। हो सकता है कि आपने हमसे हमारा झंडा छीन लिया हो, लेकिन इसे हमारे सामूहिक विवेक से मिटा नहीं सकते। महबूबा का यह तर्क जम्मू कश्मीर के उस झंडे के लिए है जो आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद अतीत का हिस्सा हो चला है। अमृत महोत्सव किसी पार्टी का, किसी दल का, किसी विचारधारा का, राजनीति का नहीं है। अमृत महोत्सव उस स्वतंत्रता आंदोलन का है जिस विरासत में कांग्रेस शामिल थी, आज अपने ही विरासत से भाग रही है। कांग्रेस का इतना व्यक्तिवाद हो चुका है, कांग्रेस का दर्शन, कांग्रेस का सिद्धांत, कांग्रेस का व्यवहार पूरा व्यक्तिवाद पर आधारित हो गया है। इसी कारण से कांग्रेस आज तिरंगा को जवाहरलाल नेहरू से विस्थापित कर रही है। 12 दिन बाद देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इससे ठीक पहले तिरंगा को लेकर सियासत अपने चरम पर है, और तिरंगा के बहाने जिस तरह से सरकार और विपक्षी दल आमने सामने हैं, उसे देखकर सवाल उठता है कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश की आन बान और शान तिरंगा पर सियासी जहर क्यों उगला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो तिरंगे पर होती है सियासत की तस्वीर आपने देखी, लेकिन इस बीच सियासत तो ईडी को लेकर भी हो रही है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पार्थो चैटर्जी, अर्पिता मुखर्जी को लेकर, क्योंकि हमारे पास इस वक्त रिमांड कॉपी मौजूद है टाइम्स नाउ नवभारत के पास, और इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी की झलक भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन क्या खुलासा हुआ है इससे कि अर्पिता की जो LIC पॉलिसीज हैं उसमें नॉमिनी के रूप में दिखाई दे रहे हैं पार्थ चैटर्जी। अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए, पहले आप एक्सक्लूसिव कॉपी की एक झलक भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहे थे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के तहत कि अर्पिता के पास से जो रिकवरी हो रही है पार्थ चैटर्जी से, उसका क्या कनेक्शन है। आपको याद होगा अर्पिता मुखर्जी ये तक कहती हुई दिखाई दे रही थी कि उनके घर ये सामान कैसे आ गया उन्हें पता नहीं, लेकिन इस बीच इस चार्जशीट से एक बड़ा खुलासा हुआ है, माफ कीजिए रिमांड कॉपी से, इससे एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि रिमांड में रहते हुए जो पूछताछ हुई और उस पूछताछ से जो जो रिकवरी ईडी ने की है उसकी पूरी पॉइंट वाइज पॉइंट यहां पर जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस डॉक्यूमेंट में जो अहम चीजें हैं इस वक्त आपको वो भी हम दिखा देते हैं, जो लगातार एक के बाद एक कई पॉइंट्स इस डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहे हैं, उनकी एक झलक आप इस वक्त देख रहे हैं। और यहां पर हमने इस वक्त पॉइंट नंबर 26 को, 26 नंबर के बिंदु को हाईलाइट किया है। इसमें क्या हाईलाइट किया गया मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। दैट स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट सीज ड्यूरिंग द सर्चेस हैज रिवील्ड 31 नंबर्स ऑफ LIC इंश्योरेंस पॉलिसीज इन द नेम ऑफ मिस अर्पिता मुखर्जी इन विच द नॉमिनी इज श्री पार्थ चैटर्जी। यानी जो 31 LICs प्राप्त हुई हैं उनके जो नॉमिनी है, यानी अर्पिता मुखर्जी ने जिनको नॉमिनी बनाया है, वो पार्थ चैटर्जी हैं। और ये दिखाता है, दिस शोज द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन मिस अर्पिता मुखर्जी एंड श्री पार्थ चैटर्जी। यानी इससे साबित होता है कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी कितने क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। और ये पूरा सिलसिला यही नहीं थमता, इससे आगे जो ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेशन और रिमांड के जरिए जो बातें सामने आई हैं उनका भी जिक्र किया है। कितने कैश की रिकवरी हुई है इसका जिक्र किया है, इसके आगे गोल्ड कितना बरामद हुआ है उसका जिक्र भी इसमें पूरे नंबर्स के साथ, आंकड़ों के साथ किया गया है। पॉइंट नंबर 27 की तरफ भी अगर आप ध्यान दें, दैट द इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट द अक्यूज्ड श्री पार्थ चैटर्जी एंड मिस अर्पिता मुखर्जी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इक्वल शेयर पार्टनरशिप डीड डेटेड 1 नवंबर 2012 इन द नेम ऑफ मिस APA यूटिलिटी सर्विस। यानी इस पार्टनरशिप डीड का जिक्र करते हुए भी ये जाहिर किया गया है कि कैसे इनके बिजनेस इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए थे और ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। यानी इन खुलासों के जरिए अब तक जो बातें बार बार सामने आ रही थी कि अर्पिता मुखर्जी करीबी तो हैं, लेकिन ये एसोसिएशन किस हद तक है वो खुलकर जाहिर हो गया है। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अनुज जुड़ गए हमारे साथ। अनुज, देखिए ये तो सभी सवालों के जवाब अब सामने आ गए हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, ईडी ने अब तक के इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई हैं वो बता दिया है। लेकिन अगर LIC पॉलिसी में भी नॉमिनी
अर्पिता मुखर्जी के पार्थो चैटर्जी हैं, तो फिर तो सभी सवालों पर पूर्ण विराम यहां लग जाता है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से ईडी का साफ तौर पे यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोनों के रिश्तों की बात जो है वो सामने आई है, और ये लगा है कि किस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, खासतौर पे जिक्र किया गया जो शांति निकेतन में प्रॉपर्टी है आपा नाम से, उस प्रॉपर्टी का ईडी ने जिक्र किया। इसके अलावा जो 31 पॉलिसीज हैं जिसमें साफ तौर पे नॉमिनीज के तौर पर कौन है, पार्थ चटर्जी, यानी साफ तौर पे ईडी का ये कहना है कि दोनों मिलकर जिस तरीके से लगातार अर्पिता मुखर्जी ये मना कर रही थी कि उनका कोई संबंध नहीं है, जो पैसे हैं उससे कोई उनका लेना देना नहीं है, वो सिर्फ केयर टेकर के तौर पे थी, कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि जो चीज़ें भी हुई उसमें उनकी भूमिका जो निश्चित तौर पर रही है। और इसी वजह से ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि सर्चेज के दौरान जो हमें 9 फ्लैट्स के बारे में पता चला उसमें से 4 फ्लैट्स जो हैं दोनों के ज्वाइंट वेंचर हैं, यानी दोनों के नाम पर हैं, यानी साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से दोनों की मिलीभगत रही है। और इसी वजह से ईडी ने रिमांड की मांग की है। ईडी का साफ तौर पे यही कहना है कि 4 दिन की रिमांड हमें पार्थ चटर्जी की चाहिए और 3 दिन की रिमांड की मांग की गई है अर्पिता मुखर्जी की। साथ ही साथ अगर बात करें तो कोर्ट में एक अहम बात ईडी ने फिर से दोहराया है कि एक तरफ जहां अर्पिता मुखर्जी बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही हैं पूछताछ के दौरान, लेकिन पार्थ चटर्जी जो हैं वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से अभी इन्वेस्टिगेशन आगे करनी है क्योंकि जो प्रॉपर्टीज मिले हैं खासतौर पे दोनों के नाम पर उसको लेकर जांच करनी है। और साफ तौर पे ईडी ने कहा है कि अब तक करीब 49.80 जो है वो रिकवर हो चुका है कैश, यानी करीब 50 करोड़ के आसपास जो है वो रिकवरी हुई है कैश की। उसके अलावा गोल्ड की रिकवरी की बात कही गई है। और इसकी झलक भी लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए ईडी का एक्शन यहीं तक सीमित नहीं है क्योंकि कई अलग बड़े बड़े नेताओं से जुड़े मामलों को लेकर ईडी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आगे बात आ रही है नेशनल हेराल्ड केस की भी, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यंग इंडियन के ऑफिस को सील कर दिया है। कल ईडी ने इस ऑफिस की तलाशी ली थी जिसके बाद आज इसको सील कर दिया गया। ईडी की इजाजत के बिना दफ्तर नहीं खुलेगा। टीम ने ऑफिस पर नोटिस भी लगा दिया है। यंग इंडियन अधिकारियों के न मिलने पर ईडी ने ये ऑफिस सील कर दिया। यंग इंडियन कंपनी के 38% शेयर सोनिया गांधी के पास है और इतने ही शेयर राहुल गांधी के पास है। यंग इंडियन ही वो कंपनी है जिसने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL का टेक ओवर किया था। और जानकारी के साथ गौरव श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, दफ्तर सील कर दिया गया है, अधिकारियों ने सुनी नहीं तो यहां पर ईडी ने भी एक्शन कर दिया है, लेकिन अब यहां से आगे क्या? देखिए, फिलहाल तो अगर हम हेराल्ड हाउस की बात करें तो उसके बाहर ही हम मौजूद हैं। रही बात दफ्तर सील करने की, तो यंग इंडिया का जो ऑफिस है यानी कि वो कंपनी जिसने एसोसिएट जनरल लिमिटेड को टेक ओवर किया था, जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और साथ में कुछ और कांग्रेस नेता हिस्सेदार हैं, वहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय के आज अधिकारी पहुँचे थे और ऑफिस में उन्हें कोई मिला नहीं। इस वजह से उसके बाद जो है इस दफ्तर को सील कर दिया गया है। और जब यंग इंडिया के जो जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो जब हेराल्ड हाउस पहुंच जाएंगे तो उस वक्त जो है जाहिर तौर पर जो अपनी पूछताछ है, अपनी सर्च ऑपरेशन है, वो प्रवर्तन निदेशालय आगे बढ़ाएगा। और कल एक लंबी छापेमारी जो है वो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से की गई थी, जब सुबह 9 बजे से लेकर तकरीबन शाम को देर रात तक जो है वो पूरी जो सर्च ऑपरेशन हुआ हुआ। और अभी हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो इस वक्त जो हेराल्ड हाउस की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है, तमाम मीडिया कर्मी अंदर मौजूद थे और नीचे के गेट पर 2 नोटिस जो है वो चस्पा किए गए असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी कुलदीप सिंह के नाम से कि ये जो प्रीमाइसेस है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सील किया है, जिसकी तस्वीरें इससे पहले हमने दिखाई, लेकिन फिलहाल अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब जब यंग इंडिया के जो भी कर्मचारी हैं जिनको भी ऑफिस संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, जब वो पहुंचेंगे ईडी की उपस्थिति में होंगे, उस वक्त जो है ईडी उनकी मौजूदगी में जो है वो इस ऑफिस में यंग इंडिया में आकर जो भी उसे कागजात चाहिए होंगे, जो कुछ भी उसे खोजबीन छानबीन करनी होगी, पूछताछ करनी होगी, वो उसको आगे बढ़ाएगा। और कल शाम
खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल पहुंचे थे जो कि इससे जुड़े रहे हैं नेशनल हेराल्ड से। उन्होंने भी संभवतः जो है उस दौरान प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों से वो लोग मिले थे जो इस वक्त यहाँ सीजर और सर्च ऑपरेशन के दौरान मौजूद थे। तो लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि चूंकि जो समझ में आ रहा है कि यंग इंडिया के जो कर्मचारी हैं कंपनी है उसकी तरफ से सहयोग नहीं किया गया, यहाँ पर जब ईडी के लोग आए तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, उसको देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने फिलहाल जो है वो इस हेराल्ड हाउस के अंदर मौजूद जो कि एजेएल का ऑफिस था पहले और अब यंग इंडिया का ऑफिस है। शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए आपका, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रुक करेंगे अब अगली खबर का। पाकिस्तान सीधी जंग में तो हिंदुस्तान से कभी जीत नहीं पाया और इसीलिए तरह तरह की साजिशें रचता है। ये एक ऐसी जंग है जो रोज जारी रहती है और इसी बीच समंदर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है। क्या है ये सर्जिकल स्ट्राइक और इससे हिंदुस्तान ने कितनी बड़ी साजिश को नाकाम किया है, रिपोर्ट देखिए। बीच समंदर सर्जिकल स्ट्राइक, भारत पाक समुद्री बॉर्डर पर ऑपरेशन। बौखलाया दुश्मन, बोला हिंदुस्तान जाना सुसाई। कोई ना खुदा इस पॉइंट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। उसने बोला 190 मील तो छोड़ो, 400 मील पर भी इंडिया घूम रहा है, 400 मील पर। फिर से दिलेर ना खुदा भी मैंने पकड़े हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वो बोले अगर खुदकुशी करना चाहते हो तो कर लो। हिंदुस्तान आज भी सरहद पर पाकिस्तान के साथ एक जंग लड़ रहा है। ये लड़ाई रोज लड़ी जा रही है और यहाँ भी जीत हिंदुस्तान की ही हो रही है। पाकिस्तान समंदर के रास्ते हिंदुस्तान में जहर भेज रहा है, लेकिन समुद्री सीमा पर हिंदुस्तान के प्रहरी पाकिस्तान की इस साजिश को भी लगातार नाकाम कर रहे हैं। एटीएस और अलग अलग सेंट्रल एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन की ये तस्वीरें देखिए। गुजरात के पास हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में एक बोट आ रही थी, जब इस बोट को रोका गया तो फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन एटीएस की टीम ने इस बोट को ऐसे घेरा कि उनके पास कोई चारा नहीं बचा। एटीएस की टीम को पास आते देख बोट पर सवार लोगों ने इस पर आग लगा दी। आखिरकार गुजरात एटीएस की टीम ने इस बोट को अपने कब्जे में ले लिया। सबसे पहले आपको इस बोट से पकड़े गए 9 लोगों की पहचान बता दें। इन सब के पास जो आईडी कार्ड मिला वो पाकिस्तानी है। अब देखिए इस बोट में क्या मिला। पाकिस्तान के ड्रग्स तस्कर ऐसे ऐसे पैकेट्स में ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। इसके अलावा इनके ड्रग्स लाने के अलग अलग तरीकों का भी पता चला है। कभी खाने के पैकेट में तो कभी बोरों में भरकर ड्रग्स लाया जा रहा है। तस्कर कपड़े के थान में भी ड्रग्स छिपा कर ला रहे हैं। ये देखिए कपड़े के थान में जो बीच में गत्ता होता है उसमें भरकर ड्रग्स की तस्करी चल रही है। बीते कुछ वक्त में समुद्री सरहद पर गुजरात एटीएस और सेंट्रल एजेंसियों ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि अब ड्रग्स तस्कर थर थर कांप रहे हैं। इसका प्रमाण है ये ऑडियो क्लिप। पाकिस्तान का बड़ा ड्रग्स तस्कर हाजी हसन ईरान में बैठे बैठे अपने साथियों को क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनिए। हाँ बिल्कुल नामुमकिन है, उसमें 1% भी बचने का चांस नहीं है। बोला 1% भी बचने का चांस नहीं है, ठीक है ना। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यहाँ से 1% बच के जाए। और ये जामनगर और राजकोट पोरबंदर ये 200 मील दूर हैं, ज़्यादा भी नहीं, 180-200 मील दूर हैं। उसने बोला भाई यहाँ बिल्कुल नामुमकिन है, यानी उसमें 1% भी बचने का चांस नहीं है। बोला हाजी हसन नाम का एक सबसे बड़ा ड्रग माफिया है पाकिस्तान का। जब उसका ड्रग डिलीवरी श्रीलंका में करना था तो उनको जाना पड़ता है भारत के पानी के पास से। तो वो ढूंढ रहे थे ऐसे लोगों को कि कोई तो मिल जाए जो इस कंसाइनमेंट को श्रीलंका के वाटर में घुसा के आए।
लेकिन वहां पे उनको एक भी बंदा नहीं मिला। दूसरी यह बड़ी बात जानकारी में सामने आई है कि गुजरात पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज के इन्फॉर्मर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान से जैसे ही इस तरह के कंसाइनमेंट गुजरात और भारत की सीमा के तरफ आने लगते हैं तो उसकी गुप्त जानकारी जो है गुजरात एटीएस के साथ सेंट्रल एजेंसीज को भी मिल जाती है। गुजरात पुलिस ने पिछले 6 महीनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 422 केस रजिस्टर्ड किए हैं, करीब 667 ड्रग्स माफियाओं को जेल भेजा है। एंटी ड्रग्स ऑपरेशन में अभी तक 25,699 किलो ड्रग्स जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 5,000 करोड़ रुपए कीमत है। बीते 2 सालों में 30 पाकिस्तानी, 17 ईरानी, 2 अफगानी और 1 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है। 1600 किलोमीटर का जो समुद्री सीमा के अंदर यूज करके जो लाने का इनका प्रयत्न हो रहा है, इसको बार बार पकड़ा जा रहा है और बड़ी मात्रा में ड्रग्स सीज हो रहे हैं जो भारत का एंट्री पॉइंट में सीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कि जो एंड कंज्यूमर तक भी नहीं पहुंच रहा है और बीच के अंदर भी नहीं, ये जहां पे एंट्री हो रहे वहीं पे वो पकड़ा जा रहा है। बेहतरीन सर्विलांस तकनीक और जवानों की टीम की वजह से पाकिस्तान और इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर अब हिंदुस्तान की समुद्री सीमा ही नहीं उसके आसपास भटकने से भी कतरा रहे हैं। लेकिन इसके लिए गुजरात की नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी भी बहुत अहम रोल प्ले करती है, जिसके तहत ड्रग्स की जानकारी देने वाले शख्स को मोटा इनाम भी दिया जाता है और सीक्रेसी भी दी जाती है। गुजरात सरकार के गृह मंत्री जब अमित शाह हुआ करते थे तभी उन्होंने गुजरात पुलिस को स्मार्ट पुलिस और टेक्निकल सर्वेलांस से जोड़ने की आधुनिक शुरुआत की थी। गुजरात पुलिस और विशेष करके गुजरात एटीएस सेंट्रल एजेंसी के साथ में मिलकर लगातार पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई ड्रग्स की खेपों का पर्दाफाश कर रही है और एशिया में नापाक पाकिस्तान के ड्रग की हेराफेरी का नेटवर्क जो है उसे खत्म कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राजपूत, टाइम्स नाउ नव भारत, अहमदाबाद। देश में फ्री बी यानी मुफ्त की रेवड़ी पर राजनीति चल रही है, लेकिन वाराणसी में कुछ उल्टा हुआ है। कल तक घाट पर घूमना फिरना फ्री था जिस घाट पर, आज वहां पर एंट्री फीस लगा दी गई है। एक खास घाट पर जब लोग पहुंचे तो देखा कि गेट पर गार्ड साहब टिकट काट रहे हैं और लोगों से 10 रुपए मांगे जा रहे हैं। अब गंगा मैया के किनारे बैठने के लिए जब लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं तो देखिए काशी वासियों ने इस पर क्या कहा। काशी का नाम सुनते ही वो घाट याद आते हैं जहां आम से लेकर खास जाते हैं। घाट किनारे बनारसी पान खाकर टाइम पास करते लोग मिल जाते हैं, हाथ में कमंडल लिए साधु बाबा नजर आते हैं, शाम के वक्त गंगा जी के किनारे सुकून के 2 पल बिताते लोग मिल जाते हैं। लेकिन काशी में एक नया नियम आया है, पहली बार किसी घाट में एंट्री के लिए फीस लगा दी गई है। काशी का नमो घाट उद्घाटन से पहले ही विवादों में आ गया है, यहाँ एंट्री के लिए 10 रुपए की फीस लग गई है। इस वक्त हम वाराणसी के बहुप्रतीक्षित नमो घाट पर मौजूद हैं और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। पिछले जब दौरे पर प्रधानमंत्री आए थे तो उस दौरान इस घाट का उद्घाटन होना था लेकिन ऐन वक्त में उसे टाल दिया गया, लेकिन अब इस घाट पर एंट्री फीस लगाई जा रही है। जी हाँ, बाकायदे एंट्री फीस लगाई जा रही है और 10 रुपए का जो टिकट है, कुछ इस तरह का जो टिकट है, वो सैलानियों को लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि वाराणसी स्मार्ट सिटी की ओर से ये जो टिकट है वो दिया जा रहा है और बाकायदे इसमें सिर्फ 4 घंटे के लिए ही ये टिकट जो है वो वैलिड है। मतलब इस घाट पर घूमने आए लोगों से घाट साहब ने जब कहा कि घाट घूमने के पैसे लगेंगे तो लोग दंग रह गए, क्योंकि बनारस में ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। तो नहीं लगना चाहिए ना, घाट बना है घूमने के लिए तो घूमने दिया जाए फिर पब्लिक को। पब्लिक है तो गलत, अब इनकी चाल है तो हम लोग सोचते इतना दूर से चल के आए तो भी चलो टिकट ले लो घूम लो। तो उम्मीद हमने किया ही नहीं था कि घाट पर आएंगे और यहाँ फीस लगेगा। ऐसे घूमने वाली जगह है, मोदी जी बनाया है कि घूमे फिरे, ना कि 10 रुपए फीस दे उसके बाद घूमे। ये अब ले रहे हैं तो उसमें क्या कह सकते हैं, अब आए तो दूर से तो 10 रुपए दे तो ही सकते हैं। सिर्फ घाट घूमने गए लोग ही नहीं बल्कि काशी के समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार भी इस कदम का विरोध कर रहे हैं। तो ये हमारे ख्याल से ये बनारस की सभ्यता, बनारस की संस्कृति और उसके उसकी मूल भावना से खिलवाड़ करने की का प्रयास है।
ये जो 10 रुपया है, ये 10 रुपया, ये शुरुआत, आप 10 रुपया मानिए, 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है आज के जमाने में, आप 10 रुपए को एक शुरुआत मानिए। कल आपको इसके लिए 10 रुपया लिया जा रहा है घाट पे जाने के लिए, भले ही वो नमो घाट हो या कोई घाट हो, 10 रुपया उसके लिए लिया जा रहा है। कल आपको गंगा जी का आचमन करने के लिए भी 10 रुपया लिया जाएगा, फिर उसके बाद नहाने के लिए 10 रुपया लिया जाएगा, फिर आपको फलाने माला फूल चढ़ाने के लिए 10 रुपया लगाए। इसो बनारस का सबसे पुराना मंदिर है, उसी के जस्ट बगल में खिड़किया घाट है। लोगों की दिनचर्या, लोग उठते हैं और आज भी कोई कितना भी बनारस को स्मार्ट बनाने की कोशिश करे, लेकिन आज भी वो जो है गंगा जल लेने के लिए वहाँ जाते हैं, जो बनारस की घाटिया जिनको बोलेंगे, जो घाट के लोग हैं। और जो घूमने भी आता है ना, वो जो इलाका है वो थोड़ा सा हटके भी है, तो आप बनारस को सुंदर बनाइए, लेकिन बनारस घूमने के लिए, खास करके घाट और गंगा को देखने के लिए फीस लगाना, ये मतलब इस ये डिसीजन कैसे हुआ, ये आश्चर्य की बात है। बता दें कि खिड़किया घाट को नमो घाट नाम दिया गया है, इसे 35.83 करोड़ की लागत से रिनोवेट किया गया। 7 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन काम अधूरा होने की वजह से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में यंग इंडियन का दफ्तर सील किया गया है, नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडियन का दफ्तर है, जिसकी जानकारी आपको हम कुछ देर पहले भी दे रहे थे। ईडी ने अब ये दफ्तर सील कर दिया है, ईडी की इजाजत के बिना दफ्तर नहीं खुलेगा। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन जवाब नहीं मिलने के बाद ईडी ने यह एक्शन लिया है। हेराल्ड हाउस के भीतर ही यंग इंडियन का जो दफ्तर है वहां पर नोटिस भी लगा दिया गया है। अब ईडी के अधिकारियों की इजाजत मिले बिना यह दफ्तर खोला नहीं जा सकेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस भेजा जाएगा, इस बात की जानकारी मिल रही है, क्योंकि यंग इंडियन के प्रिंसिपल ऑफिसर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये एक्शन अब यंग इंडियन पर हुआ है, अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया और उसके बाद अगले कदम के रूप में ईडी ने यह एक्शन लिया है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार इस वक्त ईडी के पूछताछ के दायरे में है, कई गंभीर आरोप उन पर, सवाल जवाबों का सिलसिला सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों से हो चुका है। और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस के भीतर जो दफ्तर है यंग इंडिया का, उसे सील किया गया है और साथ ही नोटिस भी वहां पर लगा दिया गया है। एक नोटिस अब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजा जाएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं यंग इंडियन के। तो आपको हम ऑफिस के भीतर इस वक्त क्या सूरत है वो भी दिखाएंगे, लेकिन ईडी का एक्शन इस पूरे मामले में और तेज होता हुआ। हालांकि विपक्ष इस बीच आरोप लगातार लगा रहा है कि सरकार सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर सड़क पर प्रदर्शन भी किया जिस दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। लेकिन अब ये बड़ा डेवलपमेंट इस मामले में हुआ है, जहां पर यंग इंडियन के ऑफिस को सील कर दिया गया है। अब यहां से इन्वेस्टिगेशन आगे और कैसे बढ़ता है, किस दिशा में जाता है, ये देखना होगा। हमारे सहयोगी गौरव जुड़ेंगे इस पर और जानकारी देने के लिए। लेकिन ऑफिस का सील होना अपने आप में एक बड़ी खबर, क्योंकि अब ईडी की इजाजत के बिना दफ्तर खोला नहीं जा सकेगा। गौरव श्रीवास्तव मौजूद है हेराल्ड हाउस में इस वक्त। गौरव, वहां पर क्या चल रहा है इस वक्त, तस्वीरें भी दिखाएं। और एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, यंग इंडियन के ऑफिस को सील कर दिया गया है, नोटिस मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जाएगा, क्या लिखा गया है नोटिस में? देखिए, अभी जो हमने नोटिस यहां पर नीचे लगा हुआ था, उसमें यही लिखा हुआ था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के आदेश से जो है ये जो परिसर है इसको सील किया जा रहा है, यही शब्द यहाँ पर लिखे गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस दिए जाने की बात उस नोटिस में नहीं लिखी थी, संभवतया चूंकि यंग इंडिया का जो ऑफिस है वो चौथे फ्लोर पर है, एक इनका छोटा सा हिस्सा ऑफिस का जो है वो निचले फ्लोर पे भी था, जहाँ पर दो नोटिस चिपकी हुई थी, ऊपर जाने की इजाज़त जो है वो हमें नहीं मिली। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो हेराल्ड हाउस के एंट्री पॉइंट को पूरी तरह से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको अंदर नज़र आ रहे होंगे। कुछ एक दो ऑफिस बियरर संभवतः जो है वो यंग इंडिया के अंदर जरूर पहुँचे हैं, लेकिन अभी इस बारे में आगे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या हेराल्ड हाउस को में मौजूद यंग इंडिया के दफ्तर को जो है वो उसकी सील हटाई जाएगी, क्योंकि बिना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के बिना
अब ये जो सील है वो हट नहीं सकती है, तो फिलहाल स्थिति हेराल्ड हाउस की यही है। और चूंकि कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, पवन बंसल जो, ये सभी लोग नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए हैं, ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे, इनकी क्या बातचीत हुई, क्या इन्होंने जाँच में किस तरीके से अपनी बातें कही, ये जो है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से निकल कर सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल नेशनल हेराल्ड हाउस जो है, हेराल्ड हाउस जो है, इसकी एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और शुरुआत में जरूर एंट्री पॉइंट पर कुछ नोटिस जो हैं जो चस्पा थे, जिनमें दो नोटिस नीचे के एक छोटे से कमरे के बाहर सील करके लगाए गए थे, उसमें लिखा गया था कि ये जो परिसर है वो पूरी तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राशिद अलवी जुड़ गए हैं। राशिद अलवी जी, बड़ा फैसला ये हुआ है, ईडी ने बड़ा कदम उठाया है, एक बार मुझे जरा कंफर्म करिए। राशिद अलवी जी हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। हेलो जी राशिद अलवी जी, यंग इंडियन का ऑफिस सील कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप ईडी के एक्शन को? ईडी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रही, पूरा देश अच्छी तरह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी इस देश के अंदर वही होगा। मुझे तो ताज्जुब है कि नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पे क्यों ताला लगाया गया, 24 अकबर रोड कांग्रेस के दफ्तर पे ताला लगा दिया गया, पुलिस तो चारों तरफ खड़ी कर दी है, और सिर्फ कांग्रेस क्यों, सारे विपक्ष के पॉलिटिकल ऑफिसर्स को बंद कर देना चाहिए। यही तो पूरे देश के अंदर हो रहा है, लोकतंत्र क्या बाकी रह गया इस देश के अंदर? राशिद अलवी जी, आपका आरोप अपनी जगह, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है, एक एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यंग इंडियन के जो अधिकारी हैं वो पेश नहीं हुए या उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसके फल स्वरूप ये एक्शन लिया गया है, तो जांच में क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं यंग इंडियन के ऑफिसर्स? देखिए एक बात तो मैं ये कहूंगा कि ये मामला तो कोर्ट के अंदर जब वो कहेंगे तब आएगा ना, खबरें मीडिया को देते हैं, मीडिया कांग्रेस को बदनाम करती है, गांधी फैमिली को बदनाम करती है, मीडिया के पास खबर क्यों आ रही है ये सब? सर वहां नोटिस लगा है, सार्वजनिक रूप से नोटिस लगा है, सिर्फ मीडिया को नहीं बताया गया, गड़बड़ है इसके दफ्तर अंदर, पर नोटिस लगा है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी बाहर क्यों, जेल में बंद करें, जेल के अंदर डाले ना, क्यों बाहर कर रहे? लेकिन इनका मकसद सिर्फ यह है कि गांधी फैमिली को बदनाम किया जाए, बदनाम करके देश के लोगों में यह एहसास हो कि हाँ भाई इस फैमिली ने बड़ी भारी बेईमानी कर रखी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह लोकतंत्र नहीं चला करता है। लेकिन राशिद अलवी जी, कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी भी ये आरोप लगाती है कि अगर कुछ गलत किया नहीं तो फिर इन्वेस्टिगेशन से डर कैसा, इन्वेस्टिगेशन में तो सहयोग करना चाहिए। मैं बताता हूँ ना आपको, गुजरात के अंदर 119 लोगों को गिरफ्तार किया था आतंकी कह के, और 15 साल के बाद अदालत ने उनको छोड़ दिया। कौन है 15 साल के लिए जिम्मेदार? आप कहेंगे कानून अपना काम कर रहा है, आप तो परेशान कर रहे हैं। कल को अदालत 10 साल के बाद फैसला करे कि हाँ भाई कुछ नहीं है, गड़बड़ नहीं है। आपने देखा तो था कोल के मामले में क्या हुआ था, 2.25 लाख करोड़ की बेईमानी कर ली कांग्रेस ने, क्या निकला अदालत के अंदर, हर रोज मीडिया चिल्लाता था। तो राशिद अलवी जी, अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है या कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो क्या रिस्पॉन्ड होगा अब कांग्रेस पार्टी का? देखिए हमारा रेस्पॉन्स कुछ नहीं होगा, हम तो पब्लिक के बीच जाएंगे, पब्लिक को बताएंगे, पब्लिक समझ रही है। आप ही अपना एक किसी करस्पॉन्डेंट को सड़क पे भेज दीजिए कि जो ईडी कर रही है ये अपनी मर्जी से कर रही है कि सरकार के दबाव में कर रही है, आप ही को पता चल जाएगा देश के अंदर क्या माहौल है। बीजेपी की तरफ से राशिद अलवी जी, आरोप ये भी लगाया जाता है कि आप लोग यानी कांग्रेस पार्टी एक परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के मुद्दों से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही है और गांधी परिवार जांच के दायरे में है, तो कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी आज की तारीख में यही है। एक परिवार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के लिए लड़ाई लड़ रहे। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है, राहुल गांधी फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इस फैमिली के सेक्रीफाइसेस किसी को नजर नहीं आते। दो लोग, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दोनों ने इस धरती के लिए अपना लहू बहा दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं है। ईडी घरों पे छापे मार रही है, नेचरल को बंद कर रही है, ये परिवारवाद हो रहा है, क्या मतलब है इन सब बातों का? कितने दिन तक शिवसेना के साथ आपका समझौता रहा?
परिवारवाद नहीं था वो। चलिए, आपका ये आरोप है कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से ये कदम जो है उठाए जा रहे हैं, एक्शन उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब जब जनता के बीच जाएगी, जनता के रिस्पांस पर फिर सब कुछ निर्भर करता है। फिलहाल शुक्रिया राशिद अलवी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित गौतम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, यंग इंडियन का ऑफिस सील हुआ है, ये बताइए कि आप इसके इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी की तरफ से और किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, और खबर ये भी मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस जा रहा है। जी आपको बताएं, इस वक्त मैं कांग्रेस के मुख्यालय पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे की तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में जहां भी आपको नजर आ रहा होगा भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल आपको बताएं, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने जो कार्रवाई कल की थी ऑफिस जाके, उस कार्रवाई के बाद उन्होंने ऑफिस को सील कर दिया और इसके बाद भी यंग इंडिया की उसको भी ताला लगा दिया। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने उसको सूचना मिली थी कि हो सकता है यहाँ पर कांग्रेस कमेटी ये दिल्ली प्रदेश की, तो यहाँ पर आके कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हों, उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब हमने नेताओं से बात करी तो नेताओं का कहना है कि हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, हमारी यहाँ पर नॉर्मल मीटिंग कर रही थी, हमारा ऐसा कोई भी हमें मैसेज नहीं मिला या फिर यहाँ प्रदर्शन कर लेकर नहीं आए। लेकिन दिल्ली पुलिस को सूचना मिली, उसी दौरान उन्होंने एक्टिव अवेयर होने के लिए उन्होंने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, बैरिकेडिंग दोनों तरफ लगा दी गई है और किसी को भी एंट्री करने की अनुमति नहीं है। मैं मीडिया की भी बात करूँ तो मीडिया पर उसकी चेकिंग की जा रही है, उसके आइडेंटिटी कार्ड देख के तब उनको अंदर आया जा रहा है। देखिए मेरे पीछे की तस्वीर को आप देखिए, आप इस तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर पुलिस भारी पल कितनी तरीके से तैनात कर दिया गया है, भारी पुलिस। हालांकि लोगों का कहना है, नेताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस यहाँ पर मीटिंग कर रही थी 5 तारीख को, जिस तरीके से वो महंगाई को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन है उसी को लेकर यहाँ मीटिंग थी, ये मीटिंग के लिए नॉर्म आया है। जिस तरीके से हालांकि जब ईडी पर उनसे सवाल किया गया, नोटिस की, तो उन्होंने कही कि इस तरह का उन्होंने आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर कि तानाशाही कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब नॉर्मल है। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर अभी की स्थिति जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस बल तैनात है और बहुत सिक्योरिटी के साथ अंदर किसी को एंट्री। मैं लौटती हूँ आपके पास अमित, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से शाजिया एलमी भी जुड़ गई हैं। शाजिया एलमी, अभी कुछ देर पहले हम राशिद अलवी जी से बात कर रहे थे, वो सीधे सीधे इस एक्शन को राजनीतिक प्रतिशोध मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, गांधी परिवार को आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। शाजिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए उनसे हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हमारे बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अमित गौतम भी जुड़े हुए हैं। गौरव, ये बताइए, अब दफ्तर तो सील हो गया है, हलचल कांग्रेस दफ्तर पर भी बढ़ रही है, लेकिन इस वक्त हेराल्ड हाउस में क्या चल रहा है? देखिए, हेराल्ड हाउस की बात करें तो यहां पर हेराल्ड हाउस के बाहर मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूं तो एक तरफ जहां ये गेट बंद है और चूंकि यहाँ पर पहले और दूसरे फ्लोर पर किराए पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑफिस चलता है, तो संभवतः पासपोर्ट सेवा केंद्र के कुछ जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद जरूर है, लेकिन हेराल्ड हाउस के बाहर जो है वो मीडिया का ही जमावड़ा है। बाकी अगर रही बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की करें तो वो अभी तक तस्वीरों में नजर नहीं आए, क्योंकि कल की बात करें तो कल शाम 4 बजे के बाद से लेकर और रात तक काफ़ी लंबे देर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करने के लिए ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जो हैं वो जुटे हुए थे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा किसी तरह की हलचल ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। सवाल इसी बात का है कि क्या आज ही के आज खुद यंग इंडियन के जो कर्मचारी हैं वो आएंगे, साथ में प्रवर्तन निदेशालय के लोग भी आएंगे, क्या अपने ऑफिस को दोबारा अनसील करने की, उसे खोलने की गुजारिश जो है वो ईडी से करी जाएगी, ये देखने वाली बात है। क्या इससे जुड़े हुए बड़े कांग्रेस के नेता जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल कल आए थे, क्या वो आज फिर आएंगे? और देखिए 7 बजे कांग्रेस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, इसी मुद्दे पर ये खबर आ रही है, कांग्रेस हेडक्वार्टर में 7 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपनी बात फिलहाल थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखेगी। कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, जाहिर तौर पर इसको लेकर विचार विमर्श हो रहा होगा, लेकिन फिलहाल तो प्रवर्तन निदेशालय ने यंग इंडियन के जो प्रिमाइस है, परिसर है, उसको गौरव एक बात बताइए और दर्शकों के लिए बता दें कि उसकी गौरव एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे, ये समझाइए कि देखिए राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, उनमें भी कुछ सवालों के जवाब निकलकर सामने आए होंगे। गौरव, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी मिल रही है, जी मिल रही है। ठीक है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से गौरव पूछताछ हुई,
अब उसके बाद ईडी स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से आगे बढ़ी है उस दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है कि यंग इंडियन का ऑफिस सील कर दिया गया है। ईडी के पास भी तो अपनी कुछ पुख्ता जानकारियां ऐसी होंगी या कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके जवाब उन्हें चाहिए। इस इन्वेस्टिगेशन की दिशा में यंग इंडियन का ऑफिस सील होना यह कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्या हासिल होगा? देखिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तौर तरीके से अगर देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो गौरव आप अपना जवाब कंप्लीट करिएगा, मैं लौट रही हूँ गौरव आपके पास। शाजी अलमी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाजी अलमी, कुछ देर पहले हम राशिद अलवी से बात कर रहे थे, वो सीधे सीधे इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं जो बीजेपी ईडी के जरिए गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी से लेने की कोशिश कर रही है। देखिए कितना बड़ा ये पूरा मामला है। आप देखिए पूरे कोर्ट में लगातार इसको लेकर ना सिर्फ पूछताछ चली है, बाकायदा चार्जशीट हुई है और एक बार नहीं कई बार इसको लेकर बुलाया भी गया है और पूछताछ हुई है। बार बार बहुत ही संगीन इल्जामों के साथ और मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर और भी चार्जेस के साथ सवाल पूछे गए हैं। अब इसका जवाब अगर उसे देते नहीं बन रहा है तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये जो है जानबूझ के किया जा रहा है, ये विचंट है। तो आपको अगर कोई जवाब नहीं बनता, और ये तो मामला दस्तावेजों के साथ पेश किया गया है, तो और ये ईडी की कार्रवाई है और ईडी की कार्रवाई तभी मुमकिन है जब तक चार्जशीट नहीं होती है, जब तक ये पूरा मामला की गहन कार्रवाई नहीं होती है और उसके बाद जब जवाब नहीं मिल पा रहा है तो फिर कार्रवाई हो रही है। तो एकमात्र जवाब कि ये तो राजनीतिक प्रतिशोध है। मुझे लगता है इसके आधार पर अगर उनको लगता है कांग्रेस के नेताओं को कि कब तक इस आधार पर और इस बयान पर वो अपने को बचा सकते हैं तो बहुत लंबे लंबे तौर तक वो नहीं चाह पाएंगे। इससे ज्यादा पुख्ता उनको कुछ कहना पड़ेगा और ये साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, करप्शन का मामला है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का मामला है और इसका जवाब उन्हें खुद देना है, ठीक है, और इसको वो पॉलिटिक्स में ना जोड़े, अपने बारे में बताएं वो किस तरह के उनके नेता है, कितना उन्होंने मिसयूज किया है। लेकिन शाजिया इससे अलग जो है सवाल ये भी है कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी बीजेपी इसी तरह से हमलावर थी और साल 2014 में पूरा इलेक्शन इसी आधार पर लड़ लिया गया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि एक मामला वो भी उठाया, लेकिन अब क्या उसी लीक पर गांधी परिवार को तंग किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल तंग नहीं किया जा रहा है, कोई किसी को तंग नहीं करता है, ये दस्तावेज है, ठीक है। आपको एक सेकंड रोक रही हूँ शाजिया, एक बड़ी खबर इस वक्त ईडी के सूत्रों से इस वक्त सामने आ रही है। यंग इंडियन का दफ्तर गोदाम की तरह था, ईडी की तरफ से ये खबर सामने आ रही है, सूत्रों से खबर मिल रही है कि यंग इंडियन का दफ्तर एक गोदाम की तरह था। अभी देखिए कि जिस तरह के इनपुट्स इस वक्त सोर्सेस से निकलकर सामने आ रहे हैं, ईडी की नजर में इस वक्त उस ऑफिस को सील करना बहुत इंपॉर्टेंट था और अगर गोदाम जैसी संज्ञा दी जा रही है तो इसके कई पर्सपेक्टिव हैं, इसके कई मायने हैं जिस पर हम ग्राउंड से अपने रिपोर्टर से संपर्क करेंगे। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, ये कहना कि गोदाम की तरह था यंग इंडियन का दफ्तर, इसे डिकोड करिए हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो जानकारी निकल कर आ रही, चूंकि हम लोग को इजाज़त नहीं मिली और हम लोगों ने लाख कोशिशें की, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, एक दो लोग जो ये कह रहे थे कि हम यंग इंडियन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें बिल्कुल भी एक सीढ़ी ऊपर नहीं जाने दिया। और अब जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि किसी गोडाउन की तरह जो है वो यंग इंडियन का ऑफिस नज़र आता है, जहाँ पर कागज़ बिखरे हुए हैं, जहाँ पर कागजात बिखरे हुए हैं, फर्नीचर बिखरे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई रेगुलर एम्प्लॉयज़ आते हैं या लोग काम करते हैं। और ये इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब संज्ञा दी जाती है शैलो कंपनीज़ की, या वो कंपनियाँ कई बार हम देखते हैं कि एक ही एड्रेस पर कई सारी कंपनियाँ चलती हैं, ना उनका कोई ऑफिस होता है, ना कोई कर्मचारी होते हैं और ना कोई फर्नीचर होता है, ऐसी क्या कोई तस्वीर नज़र आ रही है? यानी कि यंग इंडियन एक कंपनी ज़रूर है लेकिन एक कंपनी के स्वरूप में नहीं है, यानी कि वहाँ पर प्रॉपर ऑफिस नहीं है, डेस्क नहीं है, वहाँ पर कोई फैक्स और मेल नहीं आता है, वहाँ पर रिसेप्शन नहीं है, वहाँ पर काम करने एम्प्लॉय नहीं है, वहाँ पर अकाउंट का ऑफिस नहीं है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पर किसी तरह का ह्यूमन रिसोर्स के जो जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं है। वो फिर इस ओर इशारा करता है कि यंग इंडियन जो है सिर्फ एक नाम की कंपनी है। और जाँच की बात करें तो जाँच में अगर प्रवर्तन निदेशालय को ये लग रहा है कि
यंग इंडियन सिर्फ एक डमी कंपनी है और वाकई में वहाँ पर कोई काम ही नहीं होता है, काम कहीं और होता है, तो फिर इस ऑफिस के चलाने का मकसद क्या है? क्या यह कंपनी सिर्फ एक दिखावे की कंपनी है जो कि 800 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए तक की संपत्ति जो कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ी हुई है उसको ओन करती है, जो कि जिसके लिए उन्होंने चंद लाख रुपए चुकाए थे? और एक बार मैं दर्शकों के समझाने के लिए दिखा दूं ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। ये बहादुर शाह जफर मार्ग है और ये बहुत ही प्राइम रोड है, अब एकदम मेन रोड है, और यहाँ पर इतनी बड़ी 4 से 5 मंजिला इमारत का होना, इसकी करोड़ों में कीमत आकी जाएगी, अरबों रुपए में इसकी कीमत है। और ऐसे में इतनी बड़ी कंपनी और जिसका किराया भी, मासिक किराया भी आता हो, ये देखिए यहाँ पर पासपोर्ट का ऑफिस चलता है, इसका किराया महीने के जरूर आते होंगे। तो कल जो हमें पता लगा था कि जब ईडी के ऑफिसर्स पहुँचे थे तो यंग इंडियन ने जब एसोसिएट जनरल को ले लिया उसके बाद क्या किराए के तौर पर भी पैसे आते रहे, रेंट क्या आता रहा, इसकी भी जानकारी जो है वो लेने की कोशिश की गई थी। तो क्या एक कंपनी के तौर पर यंग इंडियन खुद को स्थापित कर पाने में या प्रवर्तन निदेशालय की जांच में वो कंपनी की तरह दिख पाने में नाकाम रही है, वो प्रवर्तन निदेशालय के जांच के दायरे को और बढ़ाता है। और देखिए अगर हम प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय अब इस पूरी जांच के बाद प्रोसिक्यूशन के चरण में जाएगा, यानी कि जब कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। लॉटरी गौरव आपके पास बड़ी जानकारी आपने दी कि गोदाम की तरह क्यों था, उसे लेकर देखिए ईडी को क्या ये शक है कि ये सिर्फ एक डमी कंपनी के रूप में वहां पर काम चल रहा था, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल संशय इस वक्त पैदा करता है इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है। रंजीता मौजूद है हमारे साथ इस वक्त। रंजीता, बड़ी हलचल तो इस वक्त कांग्रेस के भीतर भी होगी, बड़े नेताओं का कांग्रेस दफ्तर पहुंचना शुरू हो गया है, 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये बताया जा रहा है, लेकिन किस तरह का मंथन अभी कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है? यंग इंडियन का ऑफिस सील होने का उनके लिए क्या मतलब है? मीनाक्षी, देखिए अंदर क्या कौतूहल मचा हुआ है कांग्रेस नेताओं के, उससे पहले कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का मैं नजारा आपको अभी दिखाऊं। ये जो अकबर रोड है उसका दृश्य है, 10 जनपद, इसके बगल में सोनिया गांधी का आवास है, 10 कदम की दूरी पर सोनिया गांधी का आवास, और ये जो आप मेन गेट देख रहे हैं ये कांग्रेस मुख्यालय, अखिल भारतीय कांग्रेस का ये मुख्यालय, जिसमें 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, परत दर परत जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही है, ईडी से पूछताछ हुई, राहुल गांधी से पहले पूछताछ, उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ, और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को इस पूरे मामले पर घेरती नजर आई। लेकिन अब जो ईडी का शिकंजा कसा है ये कांग्रेस के नेताओं में खलबली पैदा कर रहा है। राहुल गांधी आज दिल्ली में नहीं है, राहुल गांधी आज कर्नाटक दौरे पर है, और कर्नाटक में वहां क्योंकि चुनाव है और उसको देखते हुए राहुल गांधी वहां अपनी एक कार्यक्रम में को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन यहां दिल्ली में उनके गैर मौजूदगी में जो स्थिति बनी हुई है उसको कांग्रेस के बड़े नेता संभालने के लिए पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कुछ देर पहले जब कांग्रेस मुख्यालय आए थे तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले बैठक करूंगा, तमाम चीजें समझूंगा, उसके बाद रिएक्ट करूंगा। 7 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मीनाक्षी कही जा रही है, ठीक है रंजीता, आपको 1 सेकंड रोक रही हूं यहां पर। हमारे साथ इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर छत्तीसगढ़ से मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़ गए हैं। टीएस सिंहदेव जी, देखिए जिस तरह का एक्शन हुआ है उसे लेकर कांग्रेस पार्टी इसे बता रही है राजनीतिक प्रतिशोध, लेकिन अब यहां से आगे कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे पढ़ रहे हैं आप इस कदम को? बदले की भावना में कितना गिरा जा सकता है और किस हद तक गिर के कार्रवाई के बहाने कांग्रेस के कार्यक्रमों को, कांग्रेस की छवि को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है उसकी पराकाष्ठा अब हम देश में देख रहे हैं। मुझे कमांड्स क्लियर दीजिए। अभी 15 अगस्त आजादी का दिवस आ रहा है और दुर्भाग्य ये है कि जिस दिन हम आजाद हुए उसी के करीब हमको दिख रहा है कि तानाशाही तंत्र, एक फासिस्टवादी तंत्र देश को अपने कब्जे में लेने के लिए इन प्रकारें हर तरह से विपक्ष को निष्णाबूत करना चाह रहा है। तो ये प्रजातंत्र के लिए दुखद समय है, लेकिन इससे हम उभरेंगे, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के जो कार्यक्रम है, कांग्रेस की पदयात्राएं हैं, 9 तारीख से 15 तारीख हर विधानसभा में इसका आयोजन, 7 सितंबर से पूरे देश में कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की पदयात्रा। टीएस सिंहदेव जी, जिस तरह से ईडी का एक्शन बढ़ रहा है आपको क्या लग रहा है इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे जा रहा है? कोई तथ्य होते तो बात सामने आती, ना इसमें कहीं FIR है, ना इसमें कहीं कोई बात है। एक ऐसा प्रकरण जिसमें कार्रवाई को स्वयं ईडी ने समाप्त कर दिया था,
उसको दोबारा शुरू करके ईडी के सोर्सेज से सर ये खबर मिल रही है कि यंग इंडियन का ऑफिस एक गोदाम की तरह ऑपरेट कर रहा था, ना तो वहां पर अधिकारी थे, ना वहां पर डिपार्टमेंट थे, दफ्तर में कोई टेबल कुर्सी नहीं, सिर्फ कागज फैले हुए हैं, कोई रेगुलर कर्मचारी नहीं था। ये सब कुछ खबरें इस वक्त ईडी के सोर्सेज से आ रही हैं, एक गोदाम बता रहे हैं वो। एक तो ईडी को ये जानकारी देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जो जांच एजेंसी है जिनको निष्पक्षता दिखाने के लिए सारी जानकारियों को अपने तक या तो सीमित रखना चाहिए, या फिर जैसा कई बार बात आई कि कैमरा में आप पूरी प्रोसीडिंग को करिए, वो ना करके लीक करके एक माहौल बनाने का जो प्रयास है वो अपने आप में ही इनकी निष्पक्षता पे बड़े बड़े सवाल उठाता है। सर, आप निष्पक्षता पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सेंट्रल एजेंसी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ चीजों पर शक है, उनको लेकर सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो न्यायालय में होगा ना, जजेस के सामने। वो तो सिर्फ इसे राजनीतिक प्रतिशोध कह देना क्या ये जायज है? इसके पहले भी आप भी जानती हैं, आप भी मीडिया में बहुत दिनों से रही होंगी, आपका भी बैकग्राउंड मीडिया में है, सीबीआई को तोता, किसी और को कुछ, जो जैसा समय देख के कार्रवाई के लिए कहते हैं वो हमको देखने को मिलता है। अभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारियां क्या सामने आ रही, 2004 से 2014 तक 388 या 400 से कम प्रकरण ईडी के माध्यम से सामने आ पाए थे, और अगले 10 साल के अंदर 3000 से ज्यादा। तो ये क्या दर्शाता है कि हर जगह विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने के लिए ईडी का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें निश्चित रूप से ये बात आएगी कि ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय जांच का एक एजेंसी थी उसकी छवि अब एक पार्टी के एक्सटेंशन के रूप में देखी जा रही है। शेष जो कार्यालय की आपने कोर्ट की बात कही, वो कोर्ट की बात है, बात जब कोर्ट में जाएगी तथ्य सामने आएंगे तो फिर बातें सामने आ जाएंगी। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस के बड़े लीडर्स लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक बदले के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, विपक्ष को घेरने के लिए, विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस बीच हमारे सभी रिपोर्टर्स लगातार इस खबर पर मौजूद हैं, और आपको हम इस वक्त एक अहम मीटिंग की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। तमाम बड़े लीडर जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है कांग्रेस पार्टी की, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।